हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइन के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको 10 टेक न्यूज बताता हूं जो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। और दोस्तों आज भी बहुत अच्छे अच्छे टेक न्यूज आए हैं, तो दोस्तों जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले पहले टेक न्यूज के बारे में। पहला टेक न्यूज आ रहा है पोको की तरफ से। पोको का दोस्तों एक नया स्मार्टफोन ब्लूटूथ के SIG सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है। इसका दोस्तों नाम है पोको C3 और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि इसका मॉडल नंबर है M2006C3MG। इसका वही मॉडल नंबर है जो दोस्तों Redmi 9C का है। अब तो दोस्तों पूरा क्लियर हो चुका है कि Redmi 9C इंडिया में दोस्तों पोको C3 के नाम से आएगा रीब्रांड होके। अगर दोस्तों स्पेक्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको हीलियो G35 मिलेगा, 5000mAh की बैटरी होगी, HD+ वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा। बस दोस्तों यही चीज है और दोस्तों पोको रीब्रांडिंग करना नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होती है। बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा, 8,000 से 7,000 की रेंज में भी। तो दोस्तों देखते हैं पोको क्या करता है। तो दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में। आ रहा दोस्तों AMD Ryzen की तरफ से, उसने दोस्तों फाइनली अपने नए जो APUs है उनको अनाउंस कर दिया है प्री बिल्ड PCs और डेस्कटॉप के लिए। पहला है दोस्तों 4000G AMD Ryzen 4000G, AMD Ryzen Pro 4000G, Athlon 3000G। तो दोस्तों इतने अच्छे अच्छे जो APUs हैं, अब मजा आएगा दोस्तों। जो भी दोस्तों प्री बिल्ड PCs और डेस्कटॉप्स आएंगे उसमें दोस्तों ये इंटीग्रेटेड होके आएंगे। एंड दोस्तों जो गेमर्स होंगे वो अपने आप इसको खरीद के नया जो कस्टम बिल्ड PC इसको बनाएंगे, तो दोस्तों उनको और परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, अच्छी गेमिंग कर सकेंगे। और APUs दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आते हैं, तो अलग से ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। तो AMD भी दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में। वारा दोस्तों Vivo की तरफ से। मैंने दोस्तों पिछले टेक न्यूज में बताया था कि Vivo S7 दोस्तों उसका मार्केटिंग मटेरियल लीक हो चुका है। तो दोस्तों उसी स्मार्टफोन का अभी और लीक्स आया है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं स्पेक्स बताता हूं। यहां पर आपको दोस्तों स्नैपड्रैगन का 765G देखने को मिलेगा, 6.4 इंचेस का फुल HD+ वाला AMOLED स्क्रीन होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 48+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी होगा, डुअल पंच होल वाला सेल्फी होगा। और दोस्तों जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा सैमसंग का ISO सेल GM1 वाला सेंसर होगा, और जो 8 मेगापिक्सल का रहेगा वो वाइड एंगल लेंस के साथ आएगा। तो दोस्तों अगर बात कर ले प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग भी बाहर निकल के आ गई है। 8GB और 128GB वाला वेरिएंट 32,100 में देखने को मिलेगा, और 8+256 हम लोगों को 35,300 रुपये में देखने को मिलेगा। मैंने दोस्तों कहा था ना इसका जो प्राइस होगा वो दोस्तों काफ़ी हाई होगा। अब इंडिया में देखो दोस्तों कौन से प्राइस में ये लॉन्च होगा। मेरे को लग रहा है दोस्तों इंडिया में थोड़ा कम प्राइस में लॉन्च करे तो अच्छा रहेगा यार। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी की तरफ से। मैंने दोस्तों बताया था पिछले टेक न्यूज में कि रियलमी का एक अननोन स्मार्टफोन RMX 2121 दोस्तों, उसका दोस्तों मॉडल नंबर अभी दोस्तों जो टैना सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है, इसमें दोस्तों आपको होल पंच मिलेगा और 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। अभी तक यही मालूम चला है। और दोस्तों इसका जो कैमरा मॉड्यूल है इसके बारे में दोस्तों लीक्स आ रहे हैं। आपको मैं दोस्तों सामने पोस्टर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो कैमरा मॉड्यूल रहेगा यही दोस्तों उस मोबाइल के साथ आएगा। उसका दोस्तों एक फोटो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सामने देख सकते हैं आप, कुछ नया हम लोगों को डिजाइन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो बड़े बड़े अक्षर में लिखा ना, ये ऐसे लिखा है कि दोस्तों जो ओप्पो रेनो 4 सीरीज में जैसे रेनो 4 लिखा हुआ था ना, वैसे ही दोस्तों इसमें भी लिखा हुआ है डेयर टू लीव। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि दोनों भाई आपस में कॉपी करते रहते हैं। और दोस्तों मेरे को देखने से मतलब है कि दोस्तों इसके क्या स्पेक्स होंगे और दोस्तों किस प्राइस में लॉन्च होगा। मेरे को लग रहा है एक नई सीरीज होने वाली है, एक फ्लैगशिप सीरीज रियलमी की, जो IFA 2020 में दोस्तों इसको अनाउंस करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों। आप दोस्तों देखते हैं रियलमी आगे क्या करता है। तो दोस्तों बात कर ले अगले टेक न्यूज के बारे में। अगला टेक न्यूज आ रहा है LG की तरफ से। तो दोस्तों LG प्लान कर रहा है कि दोस्तों वो AR ग्लास को लॉन्च करेगा, जिसकी डिजाइन दोस्तों काफी थिक होगी, यानी कि बहुत पतला होगा और काफी स्टाइलिश होगा। और दोस्तों ये लॉन्च होगा करीबन 2021 तक, इसका कुछ रिपोर्ट आएगा, यानी कि लॉन्च डेट जो भी हो गया, अभी वो डेवलप कर रहा है। और दोस्तों सबसे पहले जापान में आएगा। अरे LG यार, ये तो सोच रहे हो तुम, इससे पहले तो जियो लॉन्च कर चुका AR और दोस्तों VR ग्लास। ये यही बात पे मेरे को दोस्तों जियो पे बहुत प्राउड फील होता है कि इंडियन कंपनी होके बाकियों से पहले दोस्तों लॉन्च कर चुका है जियो AR और VR ग्लास। अब दोस्तों आने वाले टाइम में इसका दोस्तों इम्प्रूव वर्जन आएगा दोस्तों, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 2021 तक तो जियो का जो AR VR ग्लास है वो और दोस्तों नया वर्जन के साथ आएगा और देखने में और स्टाइलिश बन जाएगा। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ASUS ROG Phone 3 के तरफ से। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल कंफर्म लीक्स आ चुके हैं, यानी कि स्पेक्स जो इसके हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 865+ वाला ASUS ही देखने को मिलेगा, 6000mAh की बैटरी होगी, और दोस्तों यहां पर आपको
16 GB रैम वाला वेरियंट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके जो एक्सेसरीज होते हैं गेमिंग स्मार्टफोन के, वो दोस्तों यहाँ पर सामने आ गए। उनके नाम कुनाई गेम पैड होगा, लाइटनिंग आर्मर्ड केस होगा, एरियो एक्टिव जो फैन होता है वो होगा, और ट्विन विलो डक भी होगा। तो दोस्तों ये सब दोस्तों एक्सेसरीज के नाम है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन दोस्तों कितने प्राइस में लॉन्च होने वाला है। सब तो कह रहे हैं दोस्तों कि आज की कल दोस्तों लॉन्च होगा, देखिए दोस्तों कितने प्राइस में ये लॉन्च होता है। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की तरफ से। तो दोस्तों इसका जो नए रेंडर से दोस्तों लीक हो चुके हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दो कलर देखने को मिलेगा, ब्रोंज और दोस्तों वैनिला कलर। दोनों कलर्स देखने में काफी दोस्तों अमेजिंग लग रहे हैं। मेरे को दोस्तों इसके जो ब्रोंज कलर है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 12 GB रैम और 512 GB वाला स्टोरेज वेरियंट भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखते हैं अब इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, और दोस्तों ये अगस्त 5 को दोस्तों कौन से प्राइस में लॉन्च होगा। और दोस्तों और भी मजा आने वाला है क्योंकि दोस्तों Z Fold 2 भी लॉन्च होगा, Z Flip 2 भी लॉन्च होगा। सब कह रहे हैं कि 5 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है अनपैक्ड इवेंट में। तो दोस्तों बात कर ले अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 10 सीरीज की तरफ से। तो दोस्तों इसके सर्फेसेस बेंचमार्क साइड में दोस्तों लीक हो चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको MediaTek का Dimensity 820 वाला SoC देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक यही मालूम चला है। और दोस्तों ज्यादातर चांसेस यही है कि सब कह रहे हैं कि जो Redmi 10X 5G था उसका दोस्तों रीब्रांड वर्जन बन के इंडिया में आएगा Redmi Note 10 सीरीज वाला। तो दोस्तों देखते हैं, Redmi Note 10 सीरीज के अभी बहुत सारे लीक्स आने वाले हैं। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है वो 5G स्मार्टफोन होगा, बस दोस्तों ये पता चल जाए कि दोस्तों उसके बाकी स्पेक्स क्या होंगे। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ Redmi Note 10 सीरीज को लेकर। आप बताइए दोस्तों, अगर आप Redmi Note 9 Pro Max ले लिए हैं तो दोस्तों आपको क्या पछतावा होगा कि Redmi Note 10 मैं लेना चाहता था। तो दोस्तों इसको मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं भाई Redmi Note 10 सीरीज जो होगी वो 5G होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है होगी, तो वो और अच्छे स्पेक्स के साथ आएगा। तो दोस्तों आप फिर भी Redmi Note 9 Pro Max ले रहे हैं या फिर कोई और स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं तो दोस्तों जरूर बताओ मेरे को कमेंट में। तो दोस्तों बोनस अपडेट के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर Samsung Galaxy M31 को दोस्तों उसका नया अपडेट मिल चुका है। ये दोस्तों मॉडल नंबर है यानी कि अपडेट का, अगर नहीं की हो तो जाके चेक करो। अगर आपके पास Samsung Galaxy M31 है तो जाके अपडेट कर लो यार, नया अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये 10 टेक न्यूज बहुत अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये 10 टेक न्यूज बहुत अच्छे लगे तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो यार, और अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना। मैं हमेशा दोस्तों ऐसे ही टेक न्यूज वीडियो बनाता रहता हूं और नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो बना देता हूं मोबाइल से रिलेटेड। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, चलिए बाय। जस्ट डू इट। Starting over. Stop giving up.